हमारे पास फूड पहुंच चुका था स्टमक में, अब इसे मज़ीद आगे जाना है, ठीक है। अब इस फूड को मज़ीद जो है वो आगे जाना है, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास कहाँ पर? ये आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से स्टमक होता है, इसके नीचे कुछ ऐसी ऐसी अगर डायग्राम देखो बुक में, ब्लू कलर की बनी हुई है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मज़ीद फूड डाइजेस्ट होता है। अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि कहलाता है पैंक्रियास, ठीक है। अब ये पैंक्रियास क्या करता है, ये भी कहता है कि मैं हेल्प करूँगा फूड को डाइजेस्ट कराने में स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये अपने भी जूसेस जो है वो देता है, और ये जूसेस हमारे पास कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये फूड को मज़ीद डाइजेस्ट करवाते हैं। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तकरीबन हमारे पास 6 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इसमें छोटे छोटे जो है फिंगर्स, उंगली की तरह जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विलाए, ठीक है। ये विलाए क्या करते हैं, ये विलाए फूड को पास करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब फूड हमारे पास जो है वो कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है। अगर बुक देखो तो देखो फूड यहाँ पर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में से जब फूड आ जाता है तो ये क्या करता है, ये इसकी जो बाहर की सतह होती है ये वहाँ से फूड को जो है वो बाहर फेंकता है, ठीक है। फूड को बाहर इसने भेजा कहाँ, ब्लड कैपिलरीज, खून की नालियाँ होती हैं वो जो है फूड को ले लेती हैं, ठीक है। और फूड को कहाँ लेके जाती हैं, ब्लड में, खून में लेके जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है पेज नंबर 14 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 14 हमारे पास क्या कहता है, देखो जितना भी अच्छा खाना होगा ना जो हमारे लिए नुकसान नहीं करता वो हमारे पास ब्लड में आ जाता है, लेकिन जो खाना हमारे लिए ठीक नहीं होता, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो हमारे पास जो है वो कहाँ आ जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड हमारे पास आ जाता है कोलोन में, स्ट्रक्चर है, ठीक है, डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है। कोलोन में आया और फिर मज़ीद नीचे एक लार्ज इंटेस्टिन होती है स्मॉल इंटेस्टिन के बाद, ये वहाँ आ जाता है। वहाँ से ये क्या करता है, यहाँ पे जितना भी पानी वगैरह होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे यूरिन में उसको पास आउट कराता है, और जो हमारे पास जो है वो पानी के अलावा जो सॉलिड चीज़ रह जाती है वो फीसिस की सूरत में निकलती है। ये तकरीबन हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस था, जो कि आपको समझ आ गया होगा।